जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रहों के बल निकालने की विधि बताएंगे कि ग्रहों का बल कैसे निकाला जाता है। आपने कुंडली बना ली, ग्रह स्पष्ट कर दिया, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि ग्रहों का बल कितना है। दशांतर दशा है, जब तक आपको ये पता नहीं ग्रह बलवान है, निर्बल है, कितना वो बल दे रहे, जब तक इसके बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप सटीक जो है भविष्यवाणी करना, उसके बारे में बताना, वो नहीं कर पाओगे। अभी आपको पता नहीं है ग्रह बलवान है नहीं बलवान है, उसको कितना बल मिल रहा है, तो जब उसकी दशांतर दशा आएगी तो कैसा फल देगा। तो इसलिए पहले ग्रहों का बल जानना हमें अनिवार्य होता है। कुंडली तुमने बना ली, ग्रह स्पष्ट तो कर दिए, ग्रहों का सब कर दिया, लेकिन यह है कि जब तक उसको बल पता नहीं होगा हमें ग्रहों का, उसके लिए हमें उसका अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। तो ये समझ लीजिए, इसे ग्रहों का खडबल भी कहा जाता है। खडबल जो है यानी छः प्रकार के होते हैं, ये छः प्रकार के ग्रहों का बल निकाला जाता है। वह समझ लीजिए, पहला है स्थान बल, ग्रहों का बल निकालने के लिए पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग बल, तीसरा काल बल, और चौथा चेष्टा बल, पांचवा नैसर्गिक बल, और छठा दिग बल। ये छः प्रकार के बल जो है ग्रहों के निकाले जाते हैं। अब यानी किसी कुंडली में स्थान बल तो ग्रह को प्राप्त हो गया, और सभी में उसको प्राप्त नहीं हुआ बल, तो ग्रह जब उसका औसत निकाला जाएगा वह कमजोर पड़ जाएगा। कोई ग्रह जो है स्थान बल में वो कम उसको पॉइंट मिले हैं, और जगह उसको अच्छे मिल गए हैं तो ग्रह प्रबल हो जाएगा, अच्छा बल उसको मिल रहा है, तो औसत ही स्थिति आ जाती है। इस तरह समय निकालना है, क्योंकि ग्रहों के सभी बल निकाल करके फिर उसका औसत निकाला जाएगा कि उस ग्रह को कितना बल प्राप्त हुआ, यानी सभी स्थानों से, चाहे वो स्थान बल है, चेष्टा दिग बल है, काल बल है, चेष्टा नैसर्गिक दिग बल निकाल करके फिर हम देखेंगे उसको कितना बल प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार फिर जब दशांतर दशा का हम प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी भविष्यवाणियाँ करते हैं, तो वो जो चीज़ हमारी होगी वो 100% सही होगी, क्योंकि हमने उसको कैलकुलेशन कर दी। ये ग्रह की स्थिति हमारी क्या है, हर ग्रह स्थिति क्या है। तो आज हम सभी का नहीं लेके चलेंगे, केवल पहला जो है अस्थान, अस्थान बल को हम लेके चल रहे हैं। अस्थान बल में भी 5 प्रकार के बल होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर देखना है। अस्थान बल में भी 5 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। एक उच्च बल है, दूसरा भाव बल है, सत्वर्गी बल है, युगायुग बल है, और दृष्टांत। ये 5 प्रकार के बल होते हैं, इनको मिला करके स्थान बल बनता है। ग्रह जहाँ बैठी है ये 5ों चीज़ निकाल करके तो उसका स्थान बल बल बनता है। तो इसमें सबसे मुख्य जो होता है वो होता है उच्च बल। तो पहले हम देखें, जैसे ग्रह अपने उच्च राशि में बैठा हो, उन्हें कुंडली में देखना पड़ता है कि ग्रह अपने उच्च राशि में तो नहीं, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, स्वराशि में बैठा है, या स्वयं के दृष्टांत में बैठा हुआ है, नवास में बैठा है, ये सब देख करके तो स्थान बल को हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो पहले आज हम निकालेंगे स्थान बल में उच्च बल साधन। उच्च बल साधन आप लोग कैसे करोगे, उसकी विधि क्या है, वो आज हम आपको बताएंगे। उच्च बल साधन का सूत्र आप पहले समझ लीजिए कि उच्च बल साधन में ये ध्यान रखिए कि परम नीच है। हर ग्रह की आप लोग जानते हैं कि दो स्थिति होती है, परम नीच और परम उच्च। तो परम नीच आप समझ लीजिए, जैसे सूर्य, सूर्य हम जानते हैं कि तुला राशि में 10 डिग्री का नीच का होता है, यानी परम नीच माना जाता है, और सूर्य जो है मेष राशि में 10 अंश डिग्री पर परम उच्च का माना जाता है। यहाँ जो बल है, अगर ग्रह अपने परम नीच में है जैसे तुला के 10 डिग्री पर है, तो उसका बल क्या होगा, 0, शून्य होगा। अगर यही ग्रह सूर्य जो है अपने परम उच्च पर है, यानी जीव मेष राशि में 10 डिग्री पर सूर्य बैठा हुआ है, तो समझ लो उसको पूरे पूरा बल प्राप्त होगा, यानी 60 कला का उसे बल प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं खष्टमास, 60 कला के बल को खष्टमास भी बोलते हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब ग्रह अपने परम नीच में होगा तो उसका जो बल है शून्य होगा, 0 होगा, और जब वो परम उच्च में होगा तो उसको पूरा 60 कला का बल प्राप्त होगा। अब इसको हमें साधन करना है। साधन करने में देख लीजिए आप कि हम निकालेंगे कैसे। अगर हम गणना कर रहे हैं कि हमने पहले ले लिया है परम नीच से, हमको गणना करनी है, परम नीच से अगर गणना करनी है तो ग्रह की जो अंशात्मक दूरी बनेगी, जो आपने ग्रह स्पष्ट किए हैं उससे, और जो परम नीच से उसकी अंशात्मक दूरी कितनी बन रही है उसकी गणना हम करेंगे। तो ग्रह स्पष्ट
यानी परम निसंसात्मक गुरु के आधार पर क्या करेंगे कि ग्रह स्पष्ट जो भी आपका आया है उसमें से परम नीचे जो भी ग्रह है, जो भी परम नीचे जो इस ग्रह की आप गणना करते हैं, चाहे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, किसी की भी आप निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, तो उसका स्पष्ट जो अधिक हो, चाहे वो स्पष्ट ग्रह का हो चाहे परम नीच का, जिसका मान ज़्यादा हो उसमें से जो कम वाला है उसको घटा दीजिए। उसको आप घटा देंगे फिर दोनों का अंतर, तो उसमें उसका क्या है अंतर निकाल कि दोनों ग्रह कितने अंतर पर वो है। फिर इस अंतर को क्या करना है, अंश बना लें, अंश आपको बना लेंगे, जिस राशि में आ गए तो उसे अंश बना लीजिए। अंश बना करके फिर 180 डिग्री, ये ध्यान रखो कि परम उच्च परम नीच में कितना है, 180 डिग्री का अंतर है। तो जो भी हमारी गणना होगी 180 डिग्री के बीच में जब ग्रह होती है तो उनके उनको क्या बल प्राप्त है वो है, उसी की गणना हम लोगों को करनी है, वो मान निकालना है कि आप मान निकालेंगे कैसे। तो इस अंतर को क्या है, अंश बना करके 180 में से 83 विधि जो है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। अब हमने दो ग्रहों का उदाहरण ले लिया आपको समझाने के लिए, तो आप लोग सभी लोग ये चार्ट बना लीजिएगा, फोटो को अपना खींच लीजिएगा, उसके द्वारा देख लीजिएगा। सूर्य जो है परम उच्च का होता है 0 से यानी मेष राशि में 10 डिग्री तक, चंद्रमा जो है वृष राशि में 3 डिग्री तक, मंगल मकर में 28 डिग्री पर चुका परम उच्च का होता है, बुध जो है कन्या राशि में 15 डिग्री पर परम उच्च का होगा, गुरु जो है कर्क राशि में 5 डिग्री परम उच्च के होंगे, शुक्र जो है मीन राशि में 27 डिग्री परम उच्च के होंगे, शनि जो है तुला राशि में 20 डिग्री का परम उच्च का होगा। ऐसे 180 डिग्री के बाद जस अपोजिट विपरीत में परम नीचे का होंगे, जैसे सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का उच्च का है तो तुला राशि में 10 डिग्री का परम नीच का होगा, 180 डिग्री पर एकदम नीच का होगा। तो ये परम उच्च परम नीच के लिए तात्कालिक आप नोट कर लीजिएगा। फिर आपने मैंने जो उदाहरण लिया है कुंडली में उसमें सूर्य स्पष्ट जो है धनु राशि के हैं 29 अंश 53 कला 26 विक्रम, और चंद्र स्पष्ट था तुला राशि में 26 अंश 47 कला और 46 विक्रम। तो यही दो उदाहरण लेकर के मैं आपको इनका बल निकाल करके आप लोगों को समझा देता हूँ, जिससे आप लोगों को गणना करने में कोई दिक्कत ना है। तो सूर्य स्पष्ट को क्या करना, मैंने बताया था कि सूर्य स्पष्ट में पहले किसका आधार लेने, परम नीच, जो परम नीच क्या है, सूर्य का परम नीच क्या है तुला राशि, यानी तुला राशि में 10 अंश। तो जो स्पष्ट है आपका सूर्य स्पष्ट जो कुछ भी हो सकता है उसे आप सूर्य स्पष्ट लिख लेंगे, उसमें से परम नीच का जो है मान उसे आप घटा दीजिए। अब हमने घटा दिया तो 26 के 26, 53 के 53 आ गए, 29 में से 10 गया 19 और 8 में से 6 गए, तो यानी दो राशि 19 अंश आ गए। ये सूर्य स्पष्ट का अंतर नहीं, तो राशि का मान आया, दोनों का जो अंतर आया परम नीच से और ग्रह के बीच का जो अंतर आया वही आया। इसी तरह हमने चंद्रमा का ले लिया, चंद्रमा जो है 26 राशि यानी तुला राशि में 26 अंक 27 कला और 46 विकला है, और इसका चंद्रमा का हमने देखा कि चंद्रमा जो नीच में किसमें वृश्चिक राशि में 3 डिग्री, वृश्चिक राशि में 3 डिग्री, तो वृश्चिक राशि की 3 डिग्री हमने लिखा, लेकिन हमने देखा कि ये जो चंद्र स्पष्ट है उसकी राशि का जो मान है इससे कम है। मैंने कहा चाहे जो भी ज़्यादा जिसका अंक ज़्यादा हो उसमें से उसको आप घटा दें, और फिर 7 परम नीच का जो है चंद्रमा का 7 3 है उसमें सब ये 6 6 सब घटा दीजिए, तो इसमें जो मान आएगा 6 अंश, ये जो अंतर निकल ये आपका मान जो घटा दिया हमने ये अंतर। अब इस अंतर को हमें क्या करना है, यह अंतर ही आ गया, यह अंतर ही आ गया, इसको कहते हैं अंतर, यानी सूर्य स्पष्ट में परम नीच में जो अंतर आया इसको कहते हैं अंतर, ये अंतर का मान जब उसको माइनस करते हैं ये हमारा अंतर निकल, यानी परम नीच से और ग्रह स्पष्ट में जो हमारे प्रेजेंट टाइम में ग्रह है उसके बीच में अंतर ये निकल के आ गया। अब इन अंतरों का हम क्या करेंगे, अंश बना लेंगे। अंश बनाने की प्रक्रिया आपको पता ही है, जैसे दो राशि है, 2 को 30 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 30, और फिर 19 अंश ये है, 19 अंश 2 गुणा 30 में 60 हो गया, और 60 में ये 19 अंश आपने जोड़ दिए तो 79 एक बने अंश बन गया, ये अंतर हमारा सूर्य का अंतर निकल गया है। अब चंद्रमा में देखते हैं हम क्या है, चंद्रमा में 6 अंश ही है तो इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 6 अंश का अंतर ही इसमें। अब हम इसको गणना करनी है,
त्रैराशिक विधि से, जन कुंडली से जो ग्रह स्पष्ट हो गया है, अब त्रैराशिक विधि से उसकी गणना करें। क्या करनी है कि हमें पता है कि 180 अंश का जो अंतर का जो बल हमको मिलता है वो 60 का। मैंने भी बताया कि यहाँ जीरो से लेकर यहाँ जीरो है, जैसे परम नीच में सूर्य कहाँ होगा, जब 6-10 पर होगा, यानी तुला राशि में 10 डिग्री पर होगा, परम जीरो, यहाँ उसका बल क्या है, जीरो। और जब वो जीरो और मेष में जब वो 10 डिग्री पर होगा तो उस समय उसका जो बल होगा वो 60 का लगा होगा, उस समय उसको हम बल कितना प्राप्त होगा, 60 का लगा, परम उच्च पे 60 का लगा। ये समझ लीजिए 180 अंश के अंतर का जो बल है वो 60 का लगा है। तो एक अंश का आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/180। हमारा अंतर कितना आया है, 79, जो अंतर आया 79, तो 79 का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 60/180 × 79। 60 से 180 को भाग कर दिया, 3 आया, और 3 से 79 को हमने भाग कर दिया, 26 करोड़ का बल हमें बल कितना प्राप्त हुआ, 26 करोड़। यानी सूर्य का जो बल हमको मिला वो 26 करोड़, यानी 60 में हमको 26, यानी 50% से भी कम, यानी आधा बल प्राप्त होता है। अब ये तो हो गया निकालने की विधि, त्रैराशिक से हमने निकाल दिया इसकी इसका सूर्य का बल। और चंद्रमा का बल आप देख लीजिए कि हमें 180 बताया ना, 180 का अंतर आपके बिना होता है 60 का, एक अंश का अंतर होगा 60/180, और हमारे अंतर कितना मिला हो जाए, 6 को निकालने के लिए 60/180 × 6 से 180 भाग करोगे आप तो 3 आ जाएगा, और 6 को जब 3 से आप भाग करेंगे 6/3 यानी 2 करा, यानी चंद्रमा को जो बल प्राप्त हुआ यहाँ पे केवल 2 करेगा। अब ये समझ लीजिए कि 60 में केवल 2 करा, यहाँ चंद्रमा यहाँ काफ़ी कमजोर है, और सूर्य को क्या मिला, 26 करा, यानी 50, ये 30 से भी कम है, यानी दोनों ग्रहों को जो स्थान बल का जो मान मिल रहा है उच्च बल का, यानी यहाँ 60 करा 30 से भी कम है, 50% में चौथाई से ज़्यादा है और आधे से कम, लेकिन यहाँ की स्थिति चंद्रमा की जो है उच्च बल में कम है। तो ये तो हो गया राशि बल, नीच से आपने जब गणना करी नीच राशि से, ये ध्यान रखो कि जब परम नीच से अंशात्मक दूरी के आधार पर गणना कर रहे हैं तभी है। तब तो ये जो बल आया, आप जैसे जो बल का मान आया आपने वैसे रख दिया। अब आप गणना कहते हैं नहीं भाई, हम तो परम उच्च से ही गणना करेंगे। अब जब ग्रह परम उच्च पे हो जहाँ 60 है, तो अगर समझो जो भी आपका मान आएगा 60 पे फिर वो माइनस होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो उसको कैसे करोगे वो भी विधि आपको समझ लीजिए। परम उच्च के अंशात्मक दूरी निकालोगे ग्रहों पर कैसे होगा, जैसे सूर्य का था 8/29/53 हो गया, उसमें उसका जो परम उच्च है उसे आप घटा दीजिएगा। परम उच्च हमने घटा दिया तो 8/89 अंश बने। अब इसको इस राशि 8 राशि और इसको हमने 19 अंश को क्या किया, इसको हमने बना लिया अंश। अंश बनाने के लिए आपको हमने बताया था कि 8 × 30 यानी 240 प्लस ये 19 यानी 259, ये अंतर आ गया, ये जो हमारा अंतर आया है ना, इसी को हमने अंश बना लिया, तो अंतर का मान 259 हो गया। तो भाई वही गणना जैसे हम करते आए हैं कि 180 अंश अंतर पर जो बल है हमारा 60 कला है, तो एक अंश का कितना हो गया 60/180, और 259 का अंतर क्या हो जाएगा, 60/180 × 259। 60 से आपने 180 को भाग किया 3 आया, और इसी 3 से 259 को आप भाग करेंगे तो 3 से 3 × 6 = 3 × 8 = 24 8 बार गया, यहाँ 1 बचेगा 19 हो जाएगा, तो 19 को जब 3 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये इसका अंदर जो है 86 कला का बल यहाँ प्राप्त होगा। ये 86 कला का जो बल प्राप्त हुआ, लेकिन ये परम उच्च पे था, ध्यान रखो कला कितनी बल हमको मिलता है, कुल 60, और ये बल कितना प्राप्त हो गया, 86। तो हम क्या करेंगे, इस 86 को 86 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मान निकल जाएगा, 86 में से 60 निकल गए, 60 कला का, अब 26 कला का बल, तो 60 माइनस कर दो 26 कला हमारा निकल गया। अब हमने यहाँ निकाला था सूर्य का कितना था, अंशात्मक से लिया था नीच से, तब भी 26 कला का बल आया, आपने उच्च से लिया तब भी 26 कला का ही वही बल यहाँ प्राप्त हो गया, जो यहाँ है वही मिल गया। चाहे आप जिस विधि से करें, चाहे परम उच्च से करोगे तब भी मान वही आएगा, नीच से लोगे तब भी, यानी दोनों विधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सही लगे।
आप जो भी समझ में आ जाए यानी दोनों भी जीवन काट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे सूर्य चंद्रमा का निकाला, इसी तरह पूरे नौ ग्रहों का आपको बल निकालना चाहिए। जब आप बल निकाल लोगे तो इससे हमारा जो ग्रह उच्च का है, नीच का है, मित्र का है, शत्रु का है, कुंडली में क्या बैठा, उसको क्या बल मिल रहा है, वो आप उसका मान निकाल। यहाँ जो बल निकाला जाता है जीवन स्थिति क्या है कि जैसे यहाँ सूर्य देख लेकिन धनु राशि में है, धनु राशि में होने पर सूर्य को जो बल वहाँ मिल रहा है, कितना का बल मिल रहा है, 26 का बल। जैसे यहाँ सूर्य चंद्रमा किसके हैं, तुला राशि में, तुला राशि में चंद्रमा को वहाँ क्या बल मिल रहा है कुंडली में, केवल 2 का, यानी काफ़ी कमजोर है। तो वहाँ ये ध्यान रखो, जब उच्च बल साधन कर रहे हैं तो वहाँ ग्रहों की स्थिति क्या है, देखने पर हमको लगे मित्र का है, शत्रु का है, ये है, उससे बोल कुंडली से हम डायरेक्ट बोलते चले जाएंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। दशांतर दशाओं में उसका जो फल हम बोल रहे हैं वो उसको मिलता नहीं। यजमान कहता है कि आपने मुझे ये बताया था, ऐसा कुछ मेरे जीवन में हो ही नहीं रहा। उसका कारण ये, हमने यहाँ चंद्रमा को कंडीशन देख ली होगी, अगर सुबह है वहाँ बोलते चले गए, लेकिन हकीकत में चंद्रमा की स्थिति क्या है, वहाँ कल उसको 2 ही कलर का बल मिल रहा है, तो वो हमको फल नहीं दे रहा। जो हमें फल चाहे उम्मीद है वहाँ कुंडली में बोलते चले गए, वो नहीं दे रहा। तो इस तरह से आप लोग बल साधन करना सीखोगे। मैं सभी के क्रम वाइज आपको बताऊंगा कि जैसे स्थान बल में पहले आज उच्च बल को ले लिया, फिर अगले बार भाव बल है, सत्वर्गीय बल है, युवायु बल है, निष्काण बल है, इसको सिखाने के बाद फिर आगे दिग्बल है, काल बल है, चेष्टा दिग्बल, यानी जो छठों बल है, खष्ट बल है, वो सभी का आपको अध्ययन कराऊँगा। और फिर आप फिर सभी का योग करके किस तरह औसत बल निकालते हैं, फिर कुंडली में उसका कैसे विश्लेषण करते हैं, ये सभी पूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा। लेकिन है कि आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों को जोड़ते रहिए, क्योंकि आज ये पहला अध्याय हम लेके चले हैं ग्रहों का बल साधन। तो ग्रहों का बल साधन आप कैसे करेंगे, ये उसके बारे में पहली वीडियो है। और आज के बाद आपको ग्रह बल कैसे निकाला जाएगा इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, और इसका प्रयोग कैसे करेंगे उसकी भी पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो देखते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।